शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुछ वक्त में हमारी शादी हो जाएगी, हम फिर से साथ हो जाएंगे। पहचाना नहीं, तुम्हें क्या लगा मर गया? ये देखो, मर कर भी लौट आया हूं तुझे तेरे गुनाहों की सजा देने के लिए। अब तुम्हें भी मरना होगा। कहा था ना कि शवनी से शादी करने की सोचना भी मत, वरना वो फिर से विधवा हो जाएगी। रोहन, क्योंकि ये मिलन तो इस जन्म में हम होने नहीं देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? जय माता रानी की। भूत, 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 भूत। शमनी, 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 अंदर 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 फिर से हमारे पास आया था। पीछे शिवांश, क्या आपने फिर से वही? हम फिर से स्वीटी, स्वीटी जाओ पानी लेकर आओ जल्दी। हम अभी लाते हैं। शिवू, ऐसे क्यों घबराए हो जैसे कोई भूत देखा है? भूत है? भूत, ये गले पे कैसा निशान है? अम्मा देखो ना, ये शिबू के गले पे कैसा निशान है? ये क्या है? शिवांश, आप ऊपर बैठे, आइए आइए आइए, आराम से आजा, आराम से आजा, आप बैठिए, संभाल के, संभाल 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 के। दुल्हन, आखिर क्या हुआ शिबू को? अम्मा, अम्मा को बात ऐसे कि काफी समय से शिवांश को रोन दिख रहा है। शिवांश तब से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उन्हें हर जगह रोहन दिखाई दे रहा है। हम हल्दी की रस्म करने आए थे उससे पहले भी, और याद है जिस दिन रोहन की बरसी थी उस दिन भी रोहन दिखाई दिया था शिवांश को, और शिवांश ने हम सबसे कहा भी था। हम याद आया, शिवू उस दिन चिल्लाया भी था, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं किए थे। और अभी भी बाथरूम में भी शिवांश को, शिवांश कह रहे थे कि शावर में से खून का पानी आ रहा है। जब हम गए देखने तो फिर कुछ नहीं था, उससे उनको ही दिखाई दे रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। वो तो हल्दी की रस्म थे और आप सब इतने खुश थे तो हमने इनसे कह दिया कि किसी से भी इस बारे में जिक्र ना करें। हे भगवान, रोहन तो मरने के बाद भी दीदी का पीछा नहीं छोड़ रहा है, उनको बहुत डर लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है? हमें ये भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास नहीं है।
तो फिर का शिवांश झूठ बोल रहा है? नहीं ताई जी, हमारा कहने का यह मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शिवांश के मन का वहम हो। कैसे वहम हो सकता है श्रवणी? शिवांश ने खुद थोड़ी ना अपनी गर्दन पर निशान बना लिया है, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खोरियाया हुआ भूत ना चिपट लेता है, फिर छोड़ता नहीं है पीछा। दुलार, बड़की ठकुराइन सही कह रही है, प्रीतात्मा भटकती रहती है, इतनी आसानी से पीछा छोड़ती नहीं है। वसुधा, तू एक काम कर, देवी मैया की यहाँ काला धागा है ना, वो लेके आ और शिवू के हाथ में बांध दे। जी अम्मा। शिवांश, आप शांत हो जाइए, पानी चाहिए और आपको। ला शिवू, हाथ दे। देवी मैया हमेशा शिवू को बुरी नजर से बचाइएगा। ठीक है अम्मा, वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ हमें लगता है कि शिवांश को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हमने अपने कॉलेज में जाने माने साइकोथेरेपिस्ट से बात भी की है। किससे बात की है? पागलों के डॉक्टर से। पागलों के डॉक्टर से कह रही है। क्या, पागल के डॉक्टर? मतलब हमारे शिवू के पागल हो गया है? नहीं अम्मा जी, नहीं, हम वो नहीं कह रहे, ये सब पुराने जमाने की सोच है। साइकोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो हमारे मन की परेशानियों का इलाज करते हैं। मन का इलाज कैसे होता है? अरे बुखार आया तो दवाई घटक लो। वैसे ही अम्मा, जैसे जैसे काला धागा बांध कर आप भूत प्रेत को दूर करना चाहती थी, वैसे ही अम्मा कभी कभी कुछ चीजें हम अपने मन को समझाने के लिए भी करते हैं। नहीं नहीं, हमें भी लगता है शिबू पे भूत प्रेत का साया है। माँ? हाँ माँ, अम्मा एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। दिखाने में क्या हर्ज है, एक बार दिखा लेते हैं। चलिए शिवांश, तैयार होके आ जाइए, फिर चलते हैं। हाँ। हे माता रानी, हमारे शिवू को ठीक कर दो। अम्मा, हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं। पागलों के डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? अम्मा, एक बार दिखाने में क्या हर्ज है, दिखा लेते हैं ना। चलो। वो हम सोच रहे थे कि लौटते समय शिव जी के मंदिर में भी माथा टेकते हुए आएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही तुमने। भोलेनाथ भूत प्रेत के स्वामी हैं, वही सब ठीक करेंगे। जी अम्मा। अच्छा, हम चलते हैं। चलिए शिवांश। जा बेटा, ध्यान से जाना। हम बता रहे हैं अम्मा जी, ऐसे में डॉक्टर फाक्टर किसी काम का नहीं है, झाड़ फूक वाले को बुलाना चाहिए, हमें लगता है वही ठीक कर सकता है शिब्बू को। आप इसे ध्यान से देखिए। हेलुसिनेशन, ये सिर्फ एक भ्रम है शिवांश। डॉक्टर साहब, हमारी बात का यकीन कीजिए, ये कोई हमारा भ्रम नहीं है, हमने उसे अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। इसीलिए तो भ्रम कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वास्तविक लगता है। देखो इसे, कॉन्सेंट्रेट करो। रोहन, रोहन, रोहन,
शिवांश, शिवांश कोई नहीं है वहां। रोहन, शिवांश, रोहन रुक, आज तो बात करके रहेंगे। शिवांश, 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 शिवांश रुकिए तुम। सॉरी डॉक्टर साहब, शिवांश। रोहन, 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 रोहन कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? हाँ? शिवांश क्या कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल है ये। सामने हमने रोहन को देखा था यहाँ पे। रोहन सामने आओ हमारे। तुमसे आज बात करके रहेंगे हम। सामने आओ। शिवांश। यहाँ से क्या हो? मर गया रोहन। सुना आपने? रोहन मर चुका है। रोहन की तस्वीर हमारी अलमारी में किसने रखी? हमने रखी है। स्वीटी तुमसे कितनी बार कहा है अचानक से पीछे से हमने रखी है। लड़के से बात मत किया करो, हमारा हमारा दम निकल जाता है, डर जाते हम। अच्छा, डरना तो आपको हमको देखकर नहीं, रोहन की फोटो देखकर चाहिए था। लेकिन नहीं, आप नहीं डरी, ये सब आप तो नहीं कर रही। तुम पगला गई हो का? हम क्या करेंगे ये सब? बेतुकी बातें मत करो उनसे। क्यों? ये सब खेल तो आप ही खेलती है ना, आपको तो बड़ा मजा आता है ना ये सब खेल खेल के। और वैसे भी उन दोनों से आपको बदला लेना था। देखिए मम्मी, हम आपको बता रहे हैं, अगर ये सब आपने ही किया है ना, तो हम जाके आपकी असलियत सबको बता देंगे। स्वीटी, शिवांश को भूत दिखाई दे रहा है, हम रोहन का भूत कहाँ से पकड़ लाएंगे? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं किए हैं बेटा। तुम खामखाम पर शक कर रही हो, तुम्हें तो पता है ना ये भूत पिशाच से बहुत डर लगता है, हम कैसे भूत पकड़ के ले आएंगे? ये देखो, ये तस्वीर को देख के हमको इतना डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। हम क्या करेंगे बेटा, हमने कुछ नहीं किया है। चलो तुम लोग आगे, तुम ही लोगों का इंतजार हो रहा था। चलो पूजा में बैठ जाओ, हाथ मुंह धो लो। ये सब अम्मा, ये सब क्या है? बेटा ये जानना जरूरी है कि रोहन की प्रेत आत्मा आखिर चाहती क्या है, इसीलिए हमने सोखा जी को बुलाया है। रोहन की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए ये जानना जरूरी है कि रोहन चाहता क्या है। हाँ, बहुत जरूरी है। मां, ये भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता है। हमने कहा ना आपसे, ये बस शिवांश के मन का वहम है। तुम्हारे कहने से शुभू अगर डॉक्टर के पास जा सकता है तो हमारे तसल्ली के लिए पूजा में क्यों नहीं बैठ सकता? अम्मा लेकिन दीदी, दीदी बैठ जाओ ना, पूजा ही तो है, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए। बैठ जाओ प्लीज, प्लीज मना मत करो प्लीज। या बेटा मुंह हाथ धो के आना। चलिए शिवांश।
शिवाजियों से बुलाता हूं तुझे। सामने आ, सामने आ। तू सिंह और मृत्यु के बीच में झूल रहा है, आज तुझे आना होगा, नहीं तो मैं ऐसा मंत्र मारूंगा कि जन्म जन्म तक तेरी आत्मा भटकती रहेगी। लो, आ गए अब। बताओ क्यों बुलाया है? बताओ क्यों सता रहा है इस लड़के को? इसने सताया है हमें, छोड़ेंगे नहीं इसे। तुम्हारी पत्नी से शादी करने चला है? नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे इसे। तो तू क्या चाहता है? बताया ना, हम ये शादी नहीं होने देंगे। अगर इसने शबरी की मांग भरी तो इसका खून बहेगा। और शबरी को हम अपने साथ लेकर जाएंगे, वो हमारी पत्नी है और हमारी ही रहेगी। ठीक है, आओ आओ हमारे सामने, मार डालो हमें, ले जाओ हमें अपने साथ, लेकिन पहले सामने आओ, आओ सामने। शवनी क्या कर रही हो तुम? चलती पूजा में खड़ी क्यों हो गई? ऐसे ललकारो मत। ताई जी, हम नहीं डरते किसी से, आओ सामने आओ। शिवान छुट्टी, प्यार करने का दावा करते हो? ये है तुम्हारा प्यार, जिसकी बुनियाद झूठ पट्टी की थी? देखो देखो, मर भी गए ना तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, और आप लोगों को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, मत डरिए। बेटा ये बहुत क्रोधित आत्मा है और बहुत क्रोध में इसकी शक्तियां बढ़ गई हैं, सावधान। देखते हैं, सुना है सच्चे प्यार से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता। आओ आओ सामने, हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सामने आओ, हम भी देखते हैं आज तुम्हारे में कितनी हिम्मत है। श्रावणी से पहले तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा, सामने आओ। अब भी वक्त है, सुन लो शिवांश, अगर तुमने श्रावणी से शादी करने का सोचा भी तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुन रहे हैं ना आप लोग, शिवांश को मरना होगा। धमकी दे रहे हो हमें? हाँ तो ठीक है, कल माता रानी का दिन है, कल मासिक दुर्गा अष्टमी है,
और कल माता रानी के आशीर्वाद से इसी आंगन में हम शिवांश के साथ शादी करेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। सोच लो शवनी, एक बार फिर अपनी मांग उजाड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने ये शादी करने की सोची तो हम तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिंदूर स्वयं देवी माँ की कृपा से हमारी मांग में आया है, हम स्वयं देवी माँ ने आशीर्वाद दिया है। अपनी मांग में तो हम शिवांश के नाम का ही सिंदूर भरेंगे। हम भी देखते हैं तुम इतनी शक्ति कहां से लाते हो कि इसे मिटा सको। तो ठीक है, फिर हम भी जरूर आएंगे तुम्हारी शादी में। तुम्हारी शिकायत थी ना हमसे, हमारी वजह से तुम्हारी जान गई है। जा रहे हम शर्मनी की जिंदगी से दूर, छोड़कर उसे। अब तुम उसको चैन से जीने दो। ये खंजर देख रहे हो? अगर श्रवणी को बचाना चाहते हो तो उठाओ ये खंजर और मार लो खुद को। हम वादा करते हैं जैसे ही तुम अपनी जान लोगे, हम श्रवणी का पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।